जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए आंखें बस अब हमारी तरसती हैं और तरसती ही रहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आखिरी ज़िंदगी का सफ़र करते हैं उसके बाद वापसी तो मुमकिन है नहीं, ये हम सब जानते हैं, मगर उनकी यादें क्योंकि हमारे साथ हैं और वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने कलाम जो उन्होंने गाए हैं वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा। तो हम चाहेंगे कि जो BJS ब्रदरान्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनके शागिर्द भी हैं, उनके भतीजे भी हैं और बहुत मोहब्बतों का सिलसिला है, और रमज़ान का महीना भी है, तो हम चाहेंगे कि रमज़ान की इसमें और उनकी याद में नाच से आगाज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं। जी नदीम साहब, जावेद साहब, रेडी? अब राग देखो तड़पता है तेरा पिया।
गया, सुभान अल्लाह कसम से बहुत मज़ा आ गया। और वो जो हम जानते हैं ना, दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ान का, तो वो है ही मगफरत का अशरा, तो बस दुआ यही है कि अल्लाह की ज़ात अपने हबीब के सदके हम सबको, हमारे ज़ाहिर गुनाहगार तो हम सब हैं, गुनाह तो दिन में पता नहीं कितने होते हैं, मगर ये कि बस हमें वो तरीका आ जाए कि माफ़ी मिल जाए उधर से। अच्छा जी, मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी कि आप लोग ज़ाहिर है जब भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि नाच से या कोई हमदो सना से स्टार्ट करते हैं जब भी शोज़ वगैरह होते हैं? कवाली का, कवाली में सबसे पहले कौल नात, कवाली शुरुआत नात से और कॉल से होती है। कॉल से होती है। अच्छा, जो कॉल होता है ये क्या, कॉल जो होता है मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ज़ाहिर है कॉल से कवाली है ना। कॉल हुजूर नबी करीम ने हजरत अली को जब ताज पोशी पहनाई, उनको सर पे ताज रखा, तो उन्होंने कहा मन कुन तो मौला फहद अली मौला। अच्छा, तो उधर से आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वो ये दिस आई थिंक दिस इज रिटन बाय हजरत अमीर खुसरो। बिल्कुल सही, हजरत अमीर खुसरो की कॉम्पोजिशन है, और कवाली की जो जितनी भी असनाफ हैं वो उनसे बहुत रिलेटेड हैं। बिल्कुल सही। और ख़ानदान चिश्तिया से कवाली को अच्छा परवान चढ़ाया गया। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत की कॉल है कि जिन्होंने मौसीकी के फरोग के लिए बहुत काम किया है, और ऐसे 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 जौहरी हैं वो कि उन्होंने ऐसे ऐसे नगीने ढूंढ के और उनको इतना प्रमोट किया है कि मैं समझती हूँ कि जो हमारा मौसीकी का जो कल्चर है उसमें बहुत खिदमत उन्होंने कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी यूसुफ सलीह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज का दिन बहुत अहम दिन है, जितना लगाव आपको मौसीकी के साथ है, और मेरा ख़्याल है कि जब आपको ये न्यूज़ पता चली होगी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कि वो नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, तो आपका मतलब जो एक कनेक्शन भी उनके साथ भी था, तो आपके दिल पे तो बहुत दुख और बहुत ऐसे रंज हुआ होगा। जी, बल्कि आज उनकी बरसी भी है, और मैं समझता था कि मैं समझता हूँ कि वो एक सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया का नुकसान था। ऐसे पाकिस्तान का नुकसान तो था ही। बिल्कुल, पाकिस्तान के वो सबसे बड़े एम्बेसडर थे, जहां जहां उन्होंने जहां जहां वो गए वो एज अ पाकिस्तानी गए, और जो उनको पज़ीराई मिली सारी दुनिया में, शायद तमाम जो बड़े सगीर है किसी फनकार को आज तक वो नहीं एक पज़ीराई मिली जो उनको। आई एग्री विद यू। बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सब यानी कि कम लोग इस चीज को जानते हैं कि जो बॉलीवुड भी है वो ज्यादा एशियंस में ही पॉपुलर है। बिल्कुल सही। लेकिन खान साहब जो थे ही वाज मच मच बिगर देन बॉलीवुड और हॉलीवुड और एनीथिंग एल्स। बिल्कुल सही। और इस हवाले से भी हमें ज़रा ज़रूर आगाह कीजिए कि जो एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा इस्लाम की ज़ाहिर तबलीग, जब आप कव्वाली के हवाले से कि जो सिन्फ है उसके हवाले से बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत एक तबलीग भी हो रही होती है लोगों को, और अपने मुल्क से बैरून मुल्क जाके बाहर जाके और जिस तरह से लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या गा रहे हैं, मगर स्टिल वो जो उनके दिलों के अंदर है वो जो जज्बा उन्होंने क्रिएट किया, उस हवाले से जरूर कुछ कहिए। हाँ, देखिए कवाली जो है, ऑल ऑफ अस आई एम श्योर नो कि कवाली जो थी ये 13th सेंचुरी में अपना हजरत मीर खुसरो ने शुरू की, और हजरत निजामुद्दीन औलिया के वो उनके मुरीद थे वो। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो यहाँ बड़े सगीर में जो कन्वर्जन हुई, जो लोग किसी और मजहब से, चाहे वो हिंदू थे या कोई और मजहब के थे, जब वो मुसलमान हुए तो ना किसी मुसलमान बादशाह ने उनको मुसलमान किया और ना किसी आलम या मौलवी ने उनको मुसलमान किया, उनको सूफिया ने मुसलमान किया। और जो सूफी थे वो बहुत ही जीनियस लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो यहाँ के लोग हैं मौसीकी जो है उनका एक अहम जुज्व है उनके उनके उनकी जिंदगी का। और उन्होंने ये भी साथ फैसला किया कि क्योंकि उनके हमारे मजहब के साथ क्लैश नहीं करता, उन्होंने कवाली को डेवलप किया। कवाली जो समा का एक जो सेंट्रल एशिया में जो समा था उसी को ही उन्होंने यहाँ यू नो उसको थोड़ा सा चेंज करके
और इस सूरत में पेश किया। और खान साहब की ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने जो जो सूफिक म्यूजिक है सारी दुनिया में, उसमें द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ सूफिक म्यूजिक इज कवाली, एंड दैट इज ड्यू टू नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब। और यकीन कीजिए कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, उनकी कमी का एहसास जो है वो वक्त के साथ साथ ज्यादा होना शुरू हो गया, इजंट इट ट्रू? हाँ बिल्कुल है, लेकिन माशाल्लाह हमारे अभी जो और जो क्या कहते हैं बच्चे हैं, दे आर यू नो दे आर डूइंग वेल। और आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान ही, शायद अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ही ऐसा एक मुल्क है जहाँ हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है अभी सर्वाइव कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बॉलीवुड ने हर चीज का बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी आपसे यूसुफ साहब। एक तो ये कि मैं लाइव आपको दावत देना चाहती हूँ टू कम टू आवर शो, एंड आपसे बहुत सी गुफ्तगू है जो करनी है, मगर एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूँगी ऑन एयर, वो ये कि आपने जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं, यू नो यू आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जितने भी नई यूथ है, नए लोग हैं जिनके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट होता है, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका ये, जो आप इतनी दिल से और इतनी जान से मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है ये मुझे बताइए। ये मौसीकी की खिदमत नहीं है, मैं आपकी जो यंग जनरेशन है उसको आइडेंटिटी दे रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। बिल्कुल, हमारे मुल्क में ऐसे हालात बद से बदतर होते आए हैं कि हमें और चीजों के अलावा, हम पहले एक इस तरह इस्तेमाल करते थे, ये बीबीसी है, ये ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी है, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी, एंड म्यूजिक इज ओनली अ वे, इट इज ओनली अ यू नो इट इज ओनली अ वे दैट आई एम यूजिंग टू गेट अक्रॉस टू द यंगर जनरेशन, एंड ट्राइंग टू, अगर मैं उनको रूमी या गालिब या इकबाल या मोमिन या दार, इन चीजों की तरफ लेके जाता हूँ, तो इसका एक मकसद है। बिल्कुल सही, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा बेस है, यही हमारा कल्चर है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मकसद पता है, और ये इससे बड़ी और खिदमत क्या होगी, क्यों नहीं आप बिल्कुल खिदमत कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बख्शी जावेद सलामत कवाल, जो बरादरान हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे कवाल हैं, मैंने इनको सुना भी है, एंड ये मियां साहब से हमारी बहुत ताल्लुक भी खान साहब के साथ बिल्कुल है फैमिली का। बिल्कुल बिल्कुल, चलें बहुत शुक्रिया सर, अब आपने हमें वक्त दिया, आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जी कॉल थी हमारे साथ यूसुफ अली साहब की, यहाँ पे रुकना है हमें ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नुसरत फतेह अली खान साहब की कुछ कवालियाँ और कुछ इन्होंने अभी ट्रिब्यूट देना है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, वो हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।